कोई लख गप मारी जाए इस गल नूं, परंतु जेलां दे विच फोन जेल मैनुअल दियां बिल्कुल धज्जियां उड़ाईयां जा रहीआं। मेरे पुत दे कातल चार वार फोन पड़े जा चुके हैं पिछले 9 महीनों दे विच। दोषी ने वीडियो बना के सोशल मीडिया के उत्ते पाती। देखो दोनों सरकारों की मिली भुगत दे नाल अज तक वो वीडियो सोशल मीडिया से चल रही है, मेरा ख्याल 11 मिलियन तो ज़्यादा व्यूज कर चुकी है, परंतु उन्होंने हले तक उन्होंने रिमूव करने का कोई फैसला नहीं लिया। जबकि मेरे बच्चे का SYL गाना 24 घंटे के बंद करके वह मारे ड्यूटी। तकरीबन पिछले 1.5 साल तो तुहाडा आना जाना, तुहाडी सपोर्ट जो तुसी परिवार के नाल स्नेह जताया, दुखरी घड़ी दे विच साथ दिता, मैं तुहाडा सारी उम्र का कर्जदार हाँ, क्योंकि एक तुसी हो जिन्होंने परिवार का साथ दिता। नहीं इस बुरे वक्त दे विच भजन वाले बंदियां की गिनती नहीं कर सकिया मैं, सब छड़ के जिहड़ा इकला पैंदा दिखाई दिता। जे इकला नहीं पिया तो एक थोड़ी तरफों नहीं पिया। तुसी सरकारां नूं भी ये गल जताई भी सिद्धू का स्टैंड बिल्कुल सही सी, भोल बच्चा एक फकर बिरती का इंसान सी जिहड़ा स्ट्रगल करता करता कामयाब होया, परंतु अपराधियों दियां भैड़ियां नज़रां दा शिकार हो गया। उहदे जस्टिस दे लई लगातार साडे परिवार वल्लों तुहाडे वल्लों कदे कैंडल मार्च कदे कुछ समय समय दे उत्ते आपां पैंतरे बदलदे रहिंदे आं। हर अरजोई हर कोशिश हरेक अपील हर दरवाजे ते आपां पहुंचे। हुण आपां ज़्यादातर जिहड़ा अपना ध्यान है वह कोर्ट वल है। मानयोग अदालत वल्लों काफ़ी पिछले दिनां दे विच निर्णय लए गए ने जिन्हां तों आपां नूं उम्मीद भी वधदी है, क्योंकि जे साडा अज आपां जेलां दे सिस्टम की गल करिए बिल्कुल सरकार तो बागी है। कोई लख गप मारी जाए इस गल नूं, परंतु जेलां दे विच फोन जेल मैनुअल दियां बिल्कुल धज्जियां उड़ाईयां जा रहीआं। मेरे पुत दे कातल चार वार फोन पड़े जा चुके हैं पिछले 9 महीनों दे विच। हुण तुसीं इत्थों अंदाजा ला लो भी जेलां दे अंदर दा हालात की है। कोई रोक टोक नहीं, अपराधी एक बहुत जेतू फीलिंग लेंदे है क्योंकि आप तो सेफ हो जाते अंदर जाके, और लोगों के जवाकों का शिकार खेडण दीआं प्लानिंगां अंदर बह के बड़ी आसानी दे नाल कर जांदे। और जिथे तुहानूं पता है मैं दोषी ने वीडियो बना के सोशल मीडिया के उत्ते पाती। देखो दोनों सरकारों की मिली भुगत दे नाल अज तक वो वीडियो सोशल मीडिया से चल रही है, मेरा ख्याल 11 मिलियन तो ज़्यादा व्यूज कर चुकी है, परंतु उन्होंने हले तक उन्होंने रिमूव करने का उन्होंने बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया। जबकि मेरे बच्चे का SYL गाना 24 घंटों के बंद करके वह मारे ड्यूटी। ये तो तुसी समझ सकते हो भी जिहड़ा गैंगस्टरवाद है ये कोई बुराई ऐदा ही नहीं भी ऐदा ही उठ के कोई कतल होने लग गया। ये बहुत बड़ा नैक्सस है जो साडे आगुआं वल्लों मिली भुगत दे नाल चलाया जा रहा है। ये खत्म कदों हुंदा किस मुकाम ते जाके होवेगा ये परमात्मा जानता है। ये किन्ना क नुकसान करूगा, थोड़ा करू बड़ा करू हले ये वाहिगुरू के हाथ च है, परंतु
अपनी परमात्मा ने जो ड्यूटी लाई है इहदे प्रति तुहाडे सामने गल रखनी, क्योंकि जिहड़ा बंदा पीड़ित हुंदा, जिहड़ा जिस बुराई दे नाल जूझदा कुदरती गल है उहदे कोले जानकारी भी तुहाडे नूं ज्यादा हो जांदी है, क्योंकि 24 घंटे दिमाग ही इस पासे लगे रहिंदा है कौन की करी जांदा कौन की करी जांदा। परंतु सरकार वालों जां लीडर वालों इस मुद्दे ते बहुत घट बोलिया जांदा, हो सकता है वह अपने परिवारां नूं लेके चिंतित होण भी सानू ना कल नूं कोई प्रॉब्लम आ जाए, इहदे उत्ते बयान बहुत घट, इक्का दुक्का लीडर बोलदे आ बाकी सारे चुप है, और बोलना पऊगा। कल अग इह मेरे दर दे उत्ते सी, कल नूं राजस्थान च बागी, कल नूं किसे होर समुदाय दा आगू, ये जिमें जिमें अगे जाऊगी उमें उमें फिर अखां दुखणगियां तां पट्टियां सारे नूं बंधनियां पैणगियां, ये रोकण वाली नहीं है। तुसीं वेख्या होणा पिछली सरकारां दे विच भी साडे बठिंडे PSPL दीआं पोस्टां ने दो तीन, एक तां खास करके मोदी जिहनूं आपां कह दिंदे मलाई वाली पोस्ट है, उस पोस्ट ते अफसर लगन वास्ते पोलिटिकल लीडर मैं लड़दे वेखे आपस दे विच, मेरा बंदा लगूगा, वह कहिंदा सी मेरा बंदा लगूगा। पर मैं सारे राजनीतिक लीडर नूं इह गल कहिंदा, अज वेली पई है ला लो भाई, अज उस पोस्ट के उत्ते कोई ज्वाइन नहीं करता अफसर। हुण तुसीं पुछोगे जे मलाई वाली पोस्ट है तो ज्वाइन क्यों नहीं करता, क्योंकि फरौती की कॉल आउंदी है, फरौती की कॉल भी अफसर के घर आई दे फोन ते आउंदी है, उहदे स्कूल जाते बच्चे की फोटो विखाउंदे ने अगले भी इहनूं 1:30 बजे वापस लेके जाना कि नहीं। आ हालात साडे पंजाब दे लॉ एंड ऑर्डर दे है, जे मेरी गल झूठी होवे तां मैनूं सज़ा दिओ इस गल दी, मैं बड़ी जिम्मेवारी नाल गल्लां कहना, परंतु सरकार साडी चुप है, CM साहब साडे चुप ने, जेल मंत्री उह ने जिन्ना, मैं यह नहीं कहिंदा वी पहला राम राज चलदा सी, ठीक है सीगा माड़ा मोटा पहला भी सी, परंतु हुण तां बेखौफ डर डुक्कर तो बिल्कुल सिस्टम तो उत्तों दी गल ही हो गई। हुण तां तुसीं जेलां नूं एक होस्टल कह सकते हो, क्योंकि जेल दे विच ते होस्टल च की फर्क सी, फोन दा ही फर्क सी, गल्लां फोन उत्थे हरेक सैल च पहुंच गए और लगातार पहुंच रहे। जिदा मैं तुहानूं दस्सिया भी जिहड़ा मेरे पुत दे कातल ने जिन्हां ने 2 मर्डर भी उदू बाद जेल दे विच करते, उन्हां कोलों भी 4 वारी मोबाइल फोन फड़े गए, एक अद्धी बार तां आपां मंन ली भी गलती उत्तों नहीं फड़ाता, कंध उत्तों नहीं सिटता, कंध उत्तों नहीं सिटिया फोन बच रहा हूं भाई, 20-50 फुट तो उच्चा फोन आके थले डिगूगा उह साफता रह जूगा, यह कहने दीआं गल्लां ने। बिल्कुल सही रस्ते राही प्रोवाइड कराया जांदा सारा कुछ, यह सारिया गल्लां मैं आम तौर पर हरेक एतवार नूं करूंगा, परंतु थोड़ी जी आस की किरण मान जो हाई कोर्ट तो जागी है, शायद आने वाली 14 तरीक की पेशी है, वो तो जरूर उम्मीद कर सकते हैं भी जज साहब कोई चंगा फैसला देंगे जिदे नाल इस बुराई नूं कोई थोड़ी बहुत ठल पवेगी, ते नहीं तो मेरा ख्याल है जिन्हें पंजाब दे विच कतल होए वीरो सब दे मूंह बंद ने, सारे बंद ने, एक भी बंदा कदे किसे उसका भैन भाई उहदा गार्डियन कोई तुसीं बोलदा वेख्या अज तक किसे कहिंदा होवे जां मेरे धक्का हो, नहीं सारे चुप है यार, समझ नहीं आउंदी कद तक चुप करोगे, तुहानूं बोलना पऊगा। मैं डरी आवां मैं खड़ा वीरो 5 स्टंट पए, मरना तां ऊं भी है, जे गोली ना मर जाएंगे घट्टो घट किसी रस्ते से तो जाके मरेंगे, किसी बुराई के खिलाफ लड़ते हुए तो मरेंगे, कितने गिनती तो होगी तुहाडी, सानू खड़े होना पैना, अज हो जाओ चाहे कल हो,
आप दिया सरकारा ते अपने एमएलए साहबान ते दबाव बनाओ इस गल दा इहदा हल करो कोई तुहाडी विश्व भर दे उत्ते बदनामी हो रही है पंजाब एक इज्जतदार स्टेट सी रॉयल स्टेट असि मनदे आ स्टेट नूं हरेक बंदा इत्थे ढिड भर के रज के सौंदा भुखा नहीं सौंदा इस धरती ते कोई किन्ना भी गरीब है परंतु तुसी इहदा जलूस कढ के रखदा ये गुंडे मवालिया की धरती बनाती सारी है किन्ने एक बार भेजोगे क्योंकि ज्यादातर जेडे बंदे अफसर ने पुलिस के विच ने ज्यादातर बच्चे सब दे बाहर ने जेडे तुसी आम रह गए जेडे 15-20 लख ला नहीं सकते मजबूरी बस वह बैठे हो नहीं जिहदा जिवें हत्थ पाई जांदा ला ला के निकली जांदे सारे उही चीज ये चाहते है। सो मेरी तुहाडे सारयां दे चरणां च बेनती है ये साडे पुरखियां दी जगह असीं नहीं छड के जावांगे असीं आ के मेरा पुत भी उत्थों दा पक्का हुंदा होया भी छड के इत्थे आया सी हुण इस चीज नूं उदाहरण ना बना लो कि जे सिद्धू नूं मारता तां सानूं भी सारयां नूं मार देणगे यार इन्ने कमजोर नहीं आपां असीं अपनी धरती ते बकायदा रहांगे इज्जत नाल रहांगे कायदे कानून नाल रहांगे और इन्हां लीडरां च इक चंगीआं माड़ीआं सरकारां आउंदीआं रहिंदीआं ने 2-2.5 साल टप गए ने एवें जिवें चंगा माड़ा समां लंघ जांदा हुंदा ता पंजाबीओ हौसला ना छड्डो भरावो इस बुराई अगे गोडे ना टेको बोलो इहदे खिलाफ भुगतो इहनां दे नहीं तां सारे ही मेरे रस्ते ते आउंदे नूं देर नहीं लगनी बहुती कोई अच्छा कारोबारी अच्छी दुकान करन वाला मेरी अक्सर ही व्यापार मंडल दे प्रधान ने उहनां नाल गल हुंदी रहिंदी है ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌਲਾਂ ਫਰੋਤੀ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਰੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਅੱਗੇ ਮਸਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਤੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਇਕੱਲੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੂਗੀ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ ਆਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੌਖਾ 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਛੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਸੰਗਲ ਕਾਹਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਾਲਰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਭਾਈ ਰੀਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰੀਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਜਾਓ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਓ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਦੁਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਬਾਰਸਾ ਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਚੁੱਪ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।